प्रेस्टीज का जूसर मिक्सर ग्राइंडर है। यहाँ पर आपको प्रेस्टीज की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इसकी डिटेल दी गई है। पावरफुल 750 वॉट की मोटर हमें यहाँ मिल जाती है। यहाँ पर जूसर मिक्सर ग्राइंडर की इमेज देखने को मिल जाती है। पूरे 2 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। इसका बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके आप इसे खरीद सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो इसके साथ हमें मिलती है एक यूजर मैनुअल, साथ हमें एक स्पैटुला मिला है और ये जूसर मिक्सर ग्राइंडर 4 जार के साथ आता है। पहला जार है, ये है वेट ग्राइंडिंग जार, 1.5 लीटर का जार है। कलर भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है। तो ये जो लिड है ये पॉलीप्रोपिलीन से बना हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हो लिड पर नीचे की तरफ आप देखोगे यहाँ पर गैस्केट दी गई है जिससे कि ये प्रॉपरली इस पर फिट हो जाता है। ये जार है ड्राई ग्राइंडिंग जार और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो यह है 1 लीटर का जार है ये, और पूरी तरह से ये भी स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। इसके ब्लेड की डिजाइन बिल्कुल डिफरेंट है, आप बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील हमें यहाँ मिल जाता है। तीसरा जार हमें मिलता है चटनी जार, इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसकी कैपेसिटी है 300 ml। इसका ये लिड यहाँ पर दिया गया है और ये भी पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और चौथा जार इसके साथ जो आता है ये है जूसर जार और ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, आप देख रहे हो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और ये पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है। तो ये है इसकी मेन यूनिट, इसका डिज़ाइन बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन दिया गया है। साथ ही साथ इसकी बॉडी की अगर मटेरियल की बात करें तो बॉडी बनी हुई है ABS मटेरियल से जो कि बहुत ही मजबूत मटेरियल माना जाता है। इसके अंदर लगी हुई है 750 वॉट की मोटर और यहां पर आप देख सकते हो इसकी गियर असेंबली हमें दी गई है। यहां पर आप सारे जार को फिट कर सकते हैं और उसके बाद इसे ऑपरेट कर सकते हैं और यहां पर हमें इसके कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। यहां पर 3 स्पीड कंट्रोल नॉब दी गई है, इसमें आपको 3 स्पीड मिल जाती है, 1, 2, 3। उसके अलावा एक विप का ऑप्शन भी हमें यहाँ मिल जाता है। यहाँ आप देख सकते हो ऑफ ये है, विप ये है, 1, 2, 3। इस तरह से हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर ओवरलोड प्रोटेक्शन भी दी गई है, जब भी ये ओवरलोड या फिर ओवरहीट होगा तो अपने आप ही ऑटो कट हो जाता है, यानी ऑफ हो जाता है। अगर ये ऑटो कट हो जाए, ऑन ऑफ हो जाए, तो उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है, अगर ये ओवरलोड हो रहा है तो आप देख लीजिए कि आपने अपने जार में ज़्यादा मात्रा तो नहीं डाली हुई है। अगर उसमें कंटेंट ज़्यादा है तो उसे थोड़ा कम कर दीजिए। और उसके बाद इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एक रीसेट बटन दिया गया है, इस रीसेट बटन को प्रेस कर दीजिए और उसके बाद फिर से आप इस जूसर मिक्सर ग्राइंडर को यूज कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ जो भी इसके साथ ये जार दिए गए हैं, जार में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसको हद से ज़्यादा भरना नहीं है। मान लीजिए ये जार है तो आप इसको आधे तक ही, जो भी आप इसमें काम कर रहे हैं, जो भी आप ग्राइंड कर रहे हैं, जो भी आप इसके अंदर ग्राइंड कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप जार को हमेशा आधा ही भरें, आधे से ज़्यादा इसे ना भरें, क्योंकि ज़्यादा भरेंगे तो ये ओवरलोड हो सकता है। तो आधा जार ही इस भरें, मतलब 2 बार में कर सकते हैं, 3 बार में कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होने वाली है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर इसकी क्लीनिंग की बात करें तो आप इसे गीले कपड़े से आराम से साफ़ कर सकते हैं, पूरी तरह से सील्ड है ये, कहीं भी कोई लीकेज वगैरह नहीं होगी, शॉक प्रूफ है ये, कोई भी इसके अंदर आपको शॉक वगैरह भी नहीं लगेगा। तो इसे एक बार मैं ऑन करके और दिखा देता हूं आपको। और ये है इसकी पावर कॉर्ड, आप देख सकते हो पावर कॉर्ड की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया मुझे लग रही है और इसकी लेंथ भी ठीक ठाक है, लेंथ भी अच्छी खासी दी गई है जिससे कि इसे आराम से आप कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। तो मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है अपनी AC सप्लाई से, लेकिन मुझे इसके अंदर एक छोटी सी कमी ये लग रही है, इसके अंदर कोई भी इंडिकेटर नहीं दिया है जिससे कि हमें पता लगे कि हमारा जो इसके अंदर पावर आ रही है या नहीं आ रही है। यहाँ पर कोई LED इंडिकेटर जरूर देना चाहिए था। तो इसे ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो भी जार आपको यूज़ करना है वो यहाँ पर आपको लगा देना है और उसके बाद आपको इस साइड इसे घुमाएंगे, जैसे मैंने 1 नंबर पर किया। मेरे पास है ये साबुत धनिया
और सबसे पहले इसी को ग्राइंड करके देखेंगे। धनिया पाउडर डाल देते हैं। यहाँ पर हम इसके लिड को इस तरह से बंद कर देंगे। इसे हमने कर दिया है बंद और यहाँ से अब इसे हम ऑन करेंगे। तो आप देख सकते हो धनिया पाउडर तैयार हो गया और यह है चने की दाल। इससे हम बेसन बना के देखेंगे इसी ड्राई ग्राइंडिंग जार के अंदर। मैं इसे डाल देता हूं। हमारा जो बेसन है वो बेसन बन के तैयार हो गया है और इसके अंदर हम टमाटर की प्योरी बना के देखेंगे। इसके अंदर आप चटनी भी बना सकते हो। मेरे पास टमाटर है तो इसके अंदर मैं टमाटर को डाल देता हूं। टमाटर की प्योरी बनके तैयार हो गई है।